कैसे हो आप सब। आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है फिर से एक बार। और आपने अभी तक हमारा चैनल क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जल्दी से। तो चलिए, रीजनिंग की क्लास है, टॉपिक पजल्स चल रहा है अपना, और पीछे की क्लासेस आपने रिवाइज कर ली होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ज्यादा पजल ना होते हुए टॉपिक अपना पजल कंटिन्यू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, और हर बार की तरह पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा और फिर सॉल्यूशन करेंगे और फिर समझेंगे दोनों। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप पढ़िए क्वेश्चन। करता हूं उम्मीद पढ़ लिया होगा अपने क्वेश्चन पहला। तो चलिए, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड मीट इन ए पार्टी। They shake hand with each other, but not in a particular way. The odd number person do not shake hand with the even number person and vice versa. यानी कि जो odd number का person है वो हाथ नहीं मिलाएगा even number वालों से और even वाला नहीं मिलाएगा odd वालों से। तो काफी अच्छा question है। These friends are wearing shirts of different color की, इन्होंने shirt पहन रखी है, red है, green है, yellow और blue है। No two even number person can wear the shirt of the same color। कहने का मतलब अगर even वाले किसी एक बंदे ने red पहन ली तो कोई भी दूसरा red नहीं पहनेगा even में। उसके बाद में कहा गया है द सेम रूल अप्लाई टू द ऑड, और ऑड में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि किसी ने अगर येलो पहन ली रेड पहन ली तो ऑड में इवन में एक बंदा एक ही पहनेगा, मतलब ऑड में भी एक कलर एक बार आएगा और इवन में भी एक कलर एक ही बार आएगा। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं हम अपन। सबसे पहले काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये काउंटिंग आपकी। उसके बाद में कितने जने हैं, 7 ही जने हैं अपने। तो ए बी सी डी ई एफ और ये जी आ गया। तो यहां तक तो हर कोई बना ही लेता है क्योंकि इसमें फिर कुछ आया ही नहीं है ना। अब मेन आती है बातें आ गया। All the persons shake hand with at least one person. और सभी जने कम से कम एक आदमी से तो हाथ मिलाएंगे ही मिलाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। He is the only person. He एक ऐसा अकेला व्यक्ति है who shake hand with all the odd number person. He यानी ये सभी odd वालों से मिलाएगा, यानी ये A से भी मिलाएगा, C से भी मिलाएगा और G से भी मिलाएगा। जब ये मिलाएगा तो ये क्या ना करेंगे, ना भाई हम तो ना मिलाएंगे तुमसे हाथ। तो ये भी सभी से ऐसे हो गया है। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करते रहना, समझते रहना, सुनते रहना। बट ही इज नॉट वेयरिंग ब्लू शर्ट। लेकिन इसने ब्लू शर्ट नहीं पहन रखी है, इसने ही ने कट। F is wearing a red shirt. F जो है इसने क्या पहन रखा है, रेड पहन रखा है इसने। ठीक है, उसके बाद कहा गया शेक हैंड ओनली विद B, केवल B से ही मिलाएगा ये तो। और ये हो गया यहाँ पे F। ठीक है जी, उसके बाद में कहा गया द पर्सन हु वेयर येलो शर्ट शेक हैंड विद ओनली द पर्सन हु वेयर ग्रीन।
येलो वाला केवल ग्रीन वाले से मिलाएगा और इसे नहीं मिलाएगा, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, ए डज नॉट वियर ए ब्लू शर्ट और ए ने भी ब्लू नहीं पहन रखी है, तो ए ने भी यहाँ पे ब्लू नहीं पहन रखी है। बट शेक हैंड करता है ब्लू शर्ट वाले से, लेकिन हाथ मिलाता है जिसने ब्लू पहन रखी है। तो सी और एफ में देखते हैं, ब्लू शर्ट इज वॉन बाय ओनली वन पर्सन बट डेट इज नॉट सी, लेकिन सी ने भी नहीं पहन रखी है, तो इसका मतलब ब्लू किसने पहन रखी है, इसने ब्लू पहन रखी है। और इससे हाथ कौन मिलाता था, जी ए मिलाने वाला था हाथ, तो इसमें भी कौन आ जाएगा यहाँ पे आपका ए आ जाएगा ना, ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर से देखते हैं इसमें, कहा गया है कि ए ने ब्लू नहीं पहन रखी है, ठीक है, लेकिन ब्लू आज बनेगा। अब जो सबसे मेन बात इसने कही गई, येलो वाला केवल ग्रीन वाले से ही मिलाएगा, तो अगर ये ब्लू नहीं है कैंसिल हो गए, ये भी ब्लू नहीं है, ठीक है जी, दैट ये आ गया ब्लू केवल एक ही था, एक जना और आएगा भी दैट, हाँ दैट अभी एक और आएगा, तब जो रेड आएगा वो कौन से वाले में आएगा, वो आएगा ओड वाले में आएगा, हाँ ओड वाले में देखो कौन सा बचे, एक तीन और पांच बचे, हाँ तो देखो ये तो येलो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है, हाँ पांच बचे इसमें तो तीन आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तीसरा केवल ई से ही हाथ मिला रहा, तो इसको करो येलो, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा गया फिर से पढ़ लेते हैं लाइन में, द पर्सन हु वेयर येलो शर्ट शेक हैंड ओनली विद द पर्सन हु वेयर ग्रीन शर्ट, वो केवल ग्रीन वाले से ही मिलाएगा हाथ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना देते हैं अपन ग्रीन, जब ये हो गया तो रेड यहाँ पे ये आ गया, ठीक है जी। अब जो मेन बात है कि अब इसमें है, इसमें कौन रह गया, अब दोनों रह गए हैं, अगर हम इसको येलो कर दें तो बी एफ, तो ये तो हो नहीं रहा, तो इसको करना पड़ेगा हमें बी से हाथ मिलाने पड़ेंगे इसके, और इसका करना पड़ेगा डी के साथ में, तो जब हम इसको करेंगे तो ये तो अकेला हो गया बी, येलो आ गया, और इसको करना पड़ेगा ग्रीन, है ना, काफी एकदम हट के क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है तो बताओ किसी को, अगर नहीं है तो आप क्वेश्चन को एक बार देखो फिर से कैसे हुआ है ये, क्योंकि एकदम हटके क्वेश्चन है और इसको अधिकतर बच्चे प्रैक्टिस ना होने के कारण एग्जाम में छोड़ के आते हैं। लेकिन आप लोग कर क्या होगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के साथ में कि आप लोग अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कदम पे। तो पढ़िए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, करता हूं आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने, क्या
कहा गया क्वेश्चन में हाँ बताओ, आप इतना तो बता सकते हो ना क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन पढ़ने से? कुछ तो समझ में आया होगा आपको भी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। आठ पर्सन है MNO PQRST जिनका जन्म हुआ है सेम मंथ और डिफरेंट ईयर में, ठीक है जी। और ईयर है 1972, 75, 80, 1980, 1987, 92, 97, 2003, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईयर को अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे आसानी से। तो ईयर है 1972, 1975, 1980, 1985, 1987, 1980, 1987 हो गया, और फिर लास्ट में है 2003, ठीक है जी। उसके बाद में क्या कहा गया है, सबकी जो एज कंसीडर करनी है 2018 मान के करनी है। तो चलिए इसको देखते हैं कितने साल का हो गया। तो उधर हो गए 28 और 18 इधर के हो गए, तो कितने हो गए 46 हो गया ना जी। तो ये हो गया 46 साल का, 3 साल कम कर दो 43 हो गए, 5 साल और कम कर दो कितने हो गए बताओ 38 होंगे ना, हाँ। फिर 5 साल और कम कर दो तो 33 हो गए, फिर 2 साल और कम कर दो 31 हो गया जी। फिर कितने साल है, 5 साल है, कितने हो गए 26, फिर 5 साल 21, और फिर तो 15 ही साल बचे, ठीक है जी। ये हो गई इनकी एज, ये हो गई इनका एज, ठीक है। क्यू वॉज बोर्न इन एन ओड नंबर ईयर आफ्टर 1985 के बाद में क्यू ओड नंबर ईयर्स में, तो क्यू यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं साथ साथ, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो इस वजह से क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है जी। फिर क्या कहा गया, क्यू इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, हो गए तो यहीं पे खत्म, दो बचे ना। द सम ऑफ द एज ऑफ एस एंड पी इज इक्वल टू टी, क्या कहा गया देखो, एस प्लस पी इज इक्वल टू टी। अब आप दो एज देखो जिसका सम 46 है, किसको मिला के आ सकता है, 31 और 15 को मिला के आ सकता है कि नहीं, हाँ। तो 31 प्लस में 15 कौन सा क्या होगा, लेकिन ये पता चल गया हमें यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, अभी आप और मिला के देख लो ना चाहे, अगर 26 में कुछ मिला होगा 15, 41 आ रहा नहीं आ रहा, सब में जैक हट रहा है, मतलब इन लोगों को मिला होगा 36 यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा, ठीक है। और तो वही है नहीं, तो वही होंगे, तो इसका मतलब क्यू तो यहीं पे आएगा, ठीक है जी। और इसी हिसाब से टी का भी पता चलेगा, टी यहाँ पे आएगा। अब 31 में और 15 में कि कौन सा एस आएगा और कौन सा पी आएगा, इसको आगे और देखते हैं अभी। डिफरेंस ऑफ एज एस और एम का लेस देन 5 है, एस माइनस एम का गया लेस देन 5 है, तो यहाँ पे 3, तो ये तो हो नहीं सकता। 31 और 15 में ही देखो आप, अगर हम एस को 31 ले लें और एम को 26 लेंगे तो 5 हो गया, लेकिन लेस देन 5 बोला तो 33, 2 आ गया। तो इसका मतलब एस 31 का है, पी 15 के महाराज हैं, और एम जो है अपने 33 के हैं, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ एम एंड एन इज 10 साल की है, एम और एन में, तो एन 10 साल का, ये देखो 33 और 43 हो गया 43। ओ इज 5 ईयर ओल्डर देन क्यू, और ओ बड़ा है क्यू से 5 साल, ओ जनाब यहाँ पे आ गए अपने। अब कौन रह गया देखो, एम एन ओ पी आ रह गया, तो आर यहाँ पे आ गया, हो गया ना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू।
थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ बराबर। और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू वंस अगेन।